हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया आड़तिया, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आज मैं आपके पास नया हमारा लॉयल्टी एक्सप्रेस, उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी जो आपको ध्यान से लिखना भी है, अगर आपको समझ में नहीं आए तो, और सब टीम को बताना है और शेयर करना है। तो चलो हम चलते हैं हमारी लॉयल्टी एक्सप्रेस पे। मोदी केयर आपके लिए लेके आया है एक नया ज़बरदस्त प्रोग्राम लॉयल्टी एक्सप्रेस। इसमें आपको 2 महीने के बाद भी लॉयल्टी मिल सकती है। जी हाँ, मोदी केयर एक बहुत ही ज़बरदस्त धमाकेदार ऑफर लेके आया है आज। पहले क्या था, 6 महीने के बाद 7वां महीना फ्री, 7 महीना लगातार आप 12 महीने लेते हो तो 13वां महीना फ्री, और 3 बार की फ्री प्रोडक्ट मिलती थी। अभी आपका सवाल होगा कि 1500 की लॉयल्टी होगी कि नहीं होगी। नहीं फ्रेंड्स, अभी मिनिमम 1800 की लॉयल्टी आपको करनी ही है। अभी मोदी केयर एक नई लॉयल्टी लॉन्च कर रही है जिसमें आपको 2 महीने में भी लॉयल्टी मिलेगी, 4 महीने के बाद भी लॉयल्टी मिलेगी और 6 महीने के बाद भी लॉयल्टी मिलेगी। 3 तरह से आपको लॉयल्टी मिलने वाली है। कैसे मिलेगी, क्या कंडीशन है, वो आपको ये वीडियो में बता रही हूँ। तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना, ज़बरदस्त प्रोग्राम है। कंपनी ने कहा है कि जो लॉयल्टी प्रोग्राम है, जो 1500 की लॉयल्टी थी वो बंद कर दिए, लेकिन अच्छी बात यह है कि मोदी के ने जून और जुलाई के लिए एक नई लॉयल्टी चालू की है। मिनिमम आपको 1800 रुपये की लॉयल्टी करनी है, मतलब में अगर आपने 1800 रुपये की लॉयल्टी करी तो वो आपकी लॉयल्टी काउंट गिनी जाएगी, लेकिन कंडीशन वही रहेगी, 80% आपको गिना जाएगा। अगर आप 2500 की लॉयल्टी करते हो तो आपको 100% गिना जाएगा। 80% के साथ साथ कंपनी एक अनलिमिटेड प्रोग्राम लेके आई है जिसमें कंपनी बोल रही है अभी एक हम नया लॉयल्टी प्रोग्राम करने जा रहे हैं, उनमें सारे लोग के लिए जो लोग जून के जॉइनिंग है और जुलाई के जॉइनिंग हो गए, जो लोग मई के भी और पहले के भी जॉइनिंग हो गए उनको भी लिए भी ये ऑफ़र अवेलेबल है। कुछ टर्म्स और कंडीशन के साथ हम बात करेंगे कि जॉइनिंग जून और जुलाई होगी, इसके लिए कंपनी ने क्या ऑफ़र निकाला है। आपके लिए 2 तरह के ऑफ़र निकाला है। अगर आप 2500 के या कम का प्रोडक्ट लेते हो, मान लो आपने 1800 रुपये का लिया या तो 1900 रुपये का लिया, आपको मिनिमम 1800 रुपये का तो लेना ही है, तो आपको 2 मंथ की लॉयल्टी का लाभ ले सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि पहले ये हमारी ऑफ़र नहीं थी। कंपनी कहती है कि जो 1800 रुपये के से ज़्यादा भी प्रोडक्ट लेते हैं और 2500 से कम, तो उनको हम लॉयल्टी कूपन 80% अकॉर्डिंग बनेगी। और कंपनी ने नया लॉयल्टी प्रोग्राम निकाला है जो 2 मंथ में भी मिल सकता है, 4 महीने के बाद भी मिल सकता है और 6 मंथ के बाद भी मिल सकता है। तो ये बात मैं बताती हूँ आपको चार्ट के साथ। कंपनी क्या कहती है, अगर आपने 2500 के ज़्यादा की शॉपिंग करी तो आपको कूपन में 100% काउंट किया जाएगा। अगर आपने 2500 से कम की तो आपका 80% गिना जाएगा। अभी आप अगर 2 महीने की लॉयल्टी करते हो, मान लो आपने 1800 की जून महीने में की, 1800 की जुलाई महीने में की, तो कंपनी का एक नया ऑफर अकॉर्डिंग 2 मंथ की लॉयल्टी आपको मिल सकती है। कूपन बनेगा आपका 20% का, मतलब मैं मान लो आपने जून 1800 का लिया, जुलाई 1800 के लिया, तो 3600 रुपया हुआ। अगर 3600 का 20% हम गिने तो 720 रुपये का, मतलब मैं आपको 2 मंथ के बाद 720 रुपये की प्रोडक्ट फ्री मिलेगी। अभी यही आप अगर 4 महीना करते हो तो उसमें कंपनी आपको 60% कंपनी फ्री प्रोडक्ट देगी, और अगर आपने 6 मंथ किया तो आपको 120 एवरेज के हिसाब से गिफ्ट आपको कंपनी देगी। सब में कैपिंग दिया गया है, जो आपको 6 महीने का 120% की कूपन मिलेगा उसमें आपको मैक्सिमम 6000 रुपये का ही फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। 4 मंथ वाली जो है उसमें 60% हिसाब से मिलेगी, जिसका कैपिंग है 3000 रुपया, आप चार्ट में देख सकते हो।
और 2 मंथ के बाद जो आपको 20% एवरेज की जो मिलेगी उसमें आपको मैक्सिमम लिमिट ओनली 4,000 रुपये का ही रहेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और जो हमारी 12 महीना वाली जो कूपन आती थी वो ख़त्म हो गई है। सभी लोगों के लिए, जिसका भी पुराना, लोगों के लिए भी 6 मंथ वाला अभी चलेगा और 12 महीना वाला ख़त्म हो गया है। लेकिन पुराने लोग वाले जो है उसमें जून से जो भी है उसका कंटिन्यू जो 7-8 महीना हो गया है उनको मिल जाएगी। उसके बाद अगर जून से वो स्टार्ट होता है जिसका 6 मंथ हो गया और 7th मंथ चालू हुआ है, उसके लिए 12 महीने वाला नहीं मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी हम समझते, जून में जिसने 3,000 रुपये का लिया, जुलाई में 4,000 रुपये का लिया, अगस्त में 2,500 रुपये का लिया, सितंबर में 3,000 रुपये का लिया, अक्टूबर में 3,000 रुपये का लिया और नवंबर में 2,500 रुपये का लिया, ये टोटल हमारी 6 महीने की हुई। तो अभी कंपनी एवरेज निकालेगी, इस हिसाब से हमारा 100% होगा। तो हम देखते हैं कि कैसे होगा। अगर हमने 3,000 रुपये का लिया है तो 100% के हिसाब से 3,000 होगा, 4,000 का हुआ तो 4,000 होगा, 2,500 का 100% 2,500 होगा, 3,000 का 100% 3,000 होगा, 3,000 का 100% 3,000 होगा और 2,500 का 100% 2,500 होगा। तो ऑन एंड एवरेज हमारी सब टोटल मिला के 3,000 रुपया हुआ 6 मंथ का गिना। तो अभी कंपनी के रूल्स के हिसाब से हमको 120% लॉयल्टी गिना जाएगा। तो हमारा 3,000 का एवरेज निकलता है 3,600 रुपया 120% के हिसाब से, तो हमको 3,600 की कूपन मिलेगी। यह आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आगे चलते हैं। चलो हम देखते हैं, ये दूसरा चार्ट है हमारे पास जिसकी जॉइनिंग जुलाई में है। उसने जुलाई महीने में 1,800 रुपये का लिया है, अगस्त में 3,000 रुपये का लिया है, सितंबर महीने में 2,200 रुपये का लिया है, अक्टूबर मंथ में 3,000 रुपये का लिया है, नवंबर में 3,000 रुपये का लिया है और दिसंबर में 2,000 रुपये का लिया है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि इसमें 100% कितना है और 80% के कितने अमाउंट का है। तो कैसे गिनते हैं हम देखो 1,800 रुपये का हमको 80% के हिसाब से गिनना है तो 1,440 रुपया हुआ। 3,000 के हिसाब से हमको 100% मिलेगा तो 3,000 हुआ। 2,200 रुपये का हमको 80% गिना जाएगा तो 1,760 रुपया होगा। 3,000 का 100% आपको 3,000 रुपया मिलेगा। 3,000 के ऊपर 3,000 का 100% गिने के तो 3,000 मिलेगा। 2,000 का हमको 80% मिलेगा, मतलब में 1,600 रुपया मिलेगा। अगर ये 6 मंथ के हम एवरेज निकाल के देखते हैं तो 2,300 रुपया आता है। अभी आपने ये देखा कि 2,300 की बनी हमारी कूपन, लेकिन हमने ये कंपनी बोलती है कि 4 महीना करते तो आपको 60% मिलेगा, लेकिन हमने यहाँ पे 6 महीना किया है। तो 6 महीने के हिसाब से कंपनी के रूल्स के हिसाब से हमको 120% कूपन मिलेगी। 2,300 रुपये की जो कूपन है उसमें आपको अगर 120% लॉयल्टी की कूपन देखेंगे तो 2,760 रुपये की आपको कूपन में फ़ायदा रहेगा। तो ये हमारा फ़ायदा रहता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कंपनी हमारे लिए फ़ायदा भी लेके आई है। चलो हम तीसरी कूपन पे जाते हैं। यहाँ पे आप चार्ट में देख सकते हो, जून में मैंने 2,500 रुपये का लिया, जुलाई में 3,000 रुपये का लिया, अगस्त में 2,000 रुपये का लिया, सितंबर में 3,000 रुपये का लिया, अक्टूबर में 1,400 रुपये का लिया और नवंबर में 2,500 रुपये का लिया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं बताना चाहती हूँ कि ये 2,500 वाली लॉयल्टी जो है वो 100% गिनेंगे तो 2,500 आएगा, 3,000 का गिनोगे तो 100% 3,000 आएगा, 2,000 पे हमको 80% मिलेगा तो 1,600 रुपये आएगा, 3,000 पे 100 गिनेंगे तो 3,000 रुपये आएगा, लेकिन हमने अक्टूबर में 1,400 रुपये की शॉपिंग की है तो आपका 0 हो जाएगा। क्योंकि कंपनी का रूल्स है कि आपको मिनिमम 1,800 रुपये की शॉपिंग करनी ही है। तो यहाँ पे आपने देखा अक्टूबर में आपका 0 हो गया और नवंबर में 2,500 के हिसाब से आपका 100% गिना जाएगा। इस केस में क्या होगा, कंपनी ये करेगी कि इसमें हमारी एवरेज निकालेगी 4 महीने का। तो 4 महीने का हमारा एवरेज निकला 2,525, तो इसमें 60% हम गिनेंगे कि कैसे होगा। तो यहाँ पे जो 60% गिना जाएगा तो उसमें आपको 1,515 रुपये की कूपन मिलेगी
चार महीने की, और आप नवंबर से वापस स्टार्ट कर सकते हो, तो आपकी जो होगी तो सितंबर हिसाब से ही गिना जाएगा, क्योंकि आपने कंटिन्यू नहीं किया है। कंटिन्यू आपको करना है अगर 2 महीना, 4 महीना और कंटिन्यू 6 महीना। लेकिन यहाँ पे ये केस में क्या होगा कि आपने 4 महीना किया है, 5वें महीने कोई प्रॉब्लम आता है, हम लोग स्किप करते हैं, तो वहाँ पे पहले के हमको नहीं मिलता था। तो अभी कंपनी ने ये रूल्स लेके आए कि आप अगर 4 महीना भी किया है और आपकी लॉयल्टी छूट रही है, तो आप 4 महीने का भी ले सकते हो, है ना फ़ायदा। तो चलो हम जाते हैं आगे और चार्ट पे। यहाँ पे 2 मंथ की लॉयल्टी का मैं समझा रही हूँ आपको। आपके बंदे जून में ज्वाइंट हुए, लेकिन उस महीने प्रोडक्ट नहीं लिया। जुलाई में इसने 7,000 रुपये का प्रोडक्ट लिया, अगस्त में 5,000 रुपये का लिया, सितंबर में नहीं लिया, फिर अक्टूबर में वापस 3,000 रुपये का लिया और नवंबर में 2,500 रुपये का लिया। ये केस में क्या होगा देखो आप ध्यान से। यहाँ पे आपने जून में नहीं लिया है ना, तो 0% आएगा। जुलाई में आपका 7,000 के हिसाब से 100% गिना जाएगा, तो 7,000 का एवरेज आएगा। अगस्त में आपका 5,000 के हिसाब से 100% गिने के, तो 5,000 आएगा। सितंबर में 0 है तो 0 आएगा। अक्टूबर में 3,000 है तो 100% गिना जाएगा, तो 3,000 आएगा। और 2,500 में 100% गिने के तो 2,500 आएगा। इसका मैं एवरेज निकालूंगी तो 6,000 आएगा हमारा कूपन। तो कंपनी के रूल्स के हिसाब से अगर आपने स्किप करके 2-2 महीना किया है, तो इसमें आपको 20% ही कूपन मिलेगा। तो यहाँ पे मैं 1,200 रुपये की कूपन हमारी आएगी, 6,000 के हिसाब से 20%। तो यहाँ पे कंपनी के जो लिमिट रखी है एक कि 1,000 के ऊपर कंपनी नहीं देगी, तो इसमें 1,200 रुपये की आई है, लेकिन हमको कूपन 1,000 रुपये के ही मिलेगा। तो ये हमारा बेस्ट फ़ायदा है, क्योंकि लोग की लॉयल्टी यहाँ पे ही छूट जाती है। कहीं पे 4 महीना करते हैं, कहीं पे 2 महीना करते हैं और रुक जाते हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदा लेके आई है कंपनी। तो आप लोग मेरे को बताना कि ये आपको कैसा लगा प्लान लॉयल्टी एक्सप्रेस, क्योंकि सबके लिए बहुत फ़ायदा कर रखे। कोई जॉइंट होता है नए बंदे, तो उनके लिए 2 महीना ट्राई करके भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, कूपन जनरेट करवा सकते हैं, फ्री प्रोडक्ट भी मिलती है। तो इतना सारा फ़ायदा मोदी केयर कंपनी लेके आई है आप लोगों के लिए। तो थैंक यू।